सुप्रभात मित्रों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए आया हूँ मैं एक ऐसी सब्जी जो कि आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी, और ये ख़ास तौर से पाइल्स के जिसको प्रॉब्लम है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसको हम कहते हैं सूरन और जिमीकंद, और संस्कृत में इसे कहा जाता है अर्सहन, यानी अर्स मतलब बवासीर, हन माने हनन करने वाला, यानी उसको दूर करने वाला। तो आप इसका देख सकते हैं, मैं पहचान के लिए आया, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अपने लोकल भाषा होती है क्षेत्रवाद क्षेत्रों के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं इसकी पत्ती है, और पत्ती के बाद ये तना आप देख सकते हैं इतने नीचे जा रहा है। बाकी इसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपकी इस पहचान कर दूँ, और क्यों करना है। तो ये आप तना देख रहे हैं, ये तना सीधे आ गया और ये ज़मीन में जाता है और इस हिसाब से रहता है, और जब ये पीलेपन पे आ जाता है या पक जाता है बोलते हैं इसे। हमने मार्च अप्रैल में लगाए थे, देख रहे हैं अभी हमने यहाँ से खोदा था, तो इसकी दो जड़ें निकली यहाँ पे, यहाँ पे एक ही तने में इतना मोटा निकला था, और उसके बाद ये कि हमारे पे ये भी सूख गया, यानी कि खोदने के लिए तैयार हो गया। जिसको हम ये खोद के देखते हैं, मैंने अभी ऊपर से थोड़ा खोद दिया था कि जल्दी हो जाए। इसका प्रयोग कैसे करते हैं पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ, फिर इसको देखता हूँ। काफ़ी गहरा चला जाता है, और इसके लिए मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। अगर खाद वाली मिट्टी होती तो वह बहुत बढ़िया पैदा होता ही है, और खूब मोटे मोटे ही है, 5-5 10-10 किलो तक हो जाते हैं एक साथ। इसकी पहचान तने की और जड़ की इसलिए करा रहा हूँ कि इस तरह कहीं दूसरी जड़ ना ले लें आप, यह पता होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए बताना भी ज़रूरी है। ये हमने एक तना लगाया था, करीब 2 kg करीब निकल गया। तो इसकी सब्ज़ी पाइल्स में बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और बनानी कैसी है, इसमें मसाला वगैरह कम पड़ता है। और दूसरा, इसके इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 प्रजाति का होता है, एक हमारी इतने 1 से 1.5 फीट हाइट की होती है, और एक ये 3-4 फीट ऊंची आप देख ही रहे हैं। तो उसमें जो छोटी हाइट वाली होती है उसका साइज़ भी फल का छोटा होता है, इतना छोटा होगा अमरूद की साइज़ का होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, खटाई डालना पड़ता है, क्योंकि वो गले में लगता है चाहे उससे काटता है, लेकिन अरबी की तरह, लेकिन ये नहीं काटता, ये बिना खटाई के भी हम बना सकते हैं सब्जी इसकी। तो सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम ये, मैंने इसका छोटा पीस ले रखा है, तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ काट करके कैसे बनाना है। ये मैंने काट के कर रखा है, तो ये इसको जब करते हैं तो छीलने के बाद ऐसा निकलता है, और ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। अभी हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि हमारे पास ये शुद्ध सब्जियां नहीं है, सब मार्केट में भरा पड़ा, लेकिन हमें कुछ कुछ सब्जियां जो शुद्ध रूप में ही मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो इसके लिए भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी दवाइयाँ नहीं पड़ती, दवाइयाँ बहुत ही कम डाली जाती हैं इसकी फसल में, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। तो आप देख रहे होंगे लाल रंग की आ गया, इसको हम लोग छील देंगे, और इसको आलू की तरह ही पीस काट सकते हैं। जब वो गलने में बहुत ही आसान है, आराम से गल जाता है, पानी में थोड़े पानी में ही गल जाता है। आप भरपूर पानी डालिए और गलाइए और इसको बनाइए, और इसको देसी घी में भी खा सकते हैं, देसी घी में भी भून सकते हैं, ऐसी कम मसाला डाल के जैसे आप देसी घी में भून कर भी बना सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है। तो पाइल्स में इसकी सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है इसमें भरपूर मात्रा में, और लोह खनिज होते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए के बारे में आप जानते होंगे, तो विटामिन ए का स्रोत है, तो आप इसकी सब्ज़ी ले सकते हैं। और पाइल्स में हमको क्या करना है, ये जैसे हमारे पीस है, इनके पीस को धूप में ऐसे ही सुखा लेंगे, सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लेते हैं। तो 360 ग्राम इसका सूरन का पाउडर प्लस 120 ग्राम चित्रक आता है, वो मार्केट में आपको पंसारी को मिल जाएगा, तो उसका पाउडर ले सकते हैं, चित्रक का पाउडर, उसी में 50 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, तीनों को मिला के कर लेना है। उसके बाद जब हम इन तीनों को मिला लेते हैं, इनसे दुगने मात्रा में गुड़ ले लेना है। तो गुड़ ले करके हम छोटी जो बेर आती हैं, बेरी जिस साइज़ की बेरी होती है, उस साइज़ की गोलियां बना लेंगे, और सुबह शाम एक एक खा सकते हैं, और ये मार्केट में भी अवेलेबल होगा, हो सकता है। तो इन चीज़ों से हम अगर सुबह शाम लेते हैं तो हमारे पाइल्स में बहुत ही फ़ायदा होता है, और लाभदायक होता है, और ठीक हो जाता है। और दूसरा इसको कि हम रोज़ सुबह इसको दही के साथ भी ले सकते हैं, जैसे हमने 2-3 पीस इतना लिया और इसको हमने मिक्सी में या उसमें पीस करके बारीक बना लिया, उसको फिर देसी घी में थोड़ा सा घी डाल के पका लेते हैं कढ़ाई या फ्राई पैन में, ऊपर से उसमें दही डाल देते हैं, और इस तरह हम खाते हैं। तो ये हमारे लिए दही के साथ भी बहुत फ़ायदेमंद, अगर सुबह शाम खाते हैं निश्चित रूप से पाइल्स भी ठीक हो जाता है, ऐसा कहा गया है।
अभी मेरा कोई प्रैक्टिकल अपना खुद मैंने नहीं करा इसका, तो इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि इसकी सब्ज़ी जो है आप खा सकते हैं, जैसे और सब्ज़ियाँ खाते हैं, इसको भी आप अपनी डाइट में यूज करिए और डेली यूज में सब्ज़ी में आपको बेनिफिट होगा और इसी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कब पाइल्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ठीक करने का तरीका मेरे पास है, आप उसके लिए होता क्यों है पहले तो बताओ, जो पेट में कब्ज होता है, कब्ज होते रहते रहता है और फिर इस वजह से वहाँ पे मस्से बन जाते हैं, गांठें हो जाती हैं, तो कब्ज ही इसका मेन कारण है। जिसको कब्ज होता है उसको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप इसके लिए रेचक चीज ले सकते हैं, जैसे हम त्रिफला शाम को लेते हैं, सब गोल की भूसी लेते हैं, उसी में मैंने आपको अपने एक वीडियो बनाया था कि जो अपना फ्लैक्सीड अलसी होता है और उसका आप 1 से 2 चम्मच पाउडर गर्म दूध या गुनगुने दूध के साथ डेली लेते हैं, तो एक रेचक का काम करता है और अपने सब गोल से भी 100 गुना ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप उसको ले सकते हैं, वो आपका पेट साफ रखेगा और बीमारी को दूर रखेगा। और इसके साथ ही एक निर्गुंडी ऑयल आता है जो कि मार्केट में अवेलेबल है मेडिकल पर और मैंने उसे बना भी रखा है। तो पाइल्स में हम सोच के बाद हो या सुबह से हम उसको हम अपनी उंगली से अपने गुदद्वार पे जहाँ पे भी प्रॉब्लम वहाँ लगा सकते हैं। उस निर्गुंडी ऑयल की तो इतनी खासियत है कि उससे पाइल्स भी और जो अपने दूसरे चीर भगंदर और जो भी बीमारियाँ होती हैं, जितनी गुदा की बीमारियाँ होती हैं, तीनों चारों बीमारियों का काम करता है और ख़त्म कर देता है। और यहाँ तो कोई नासूर है वो भी सही करता है। तो उस तेल को हम उसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और तेल अवेलेबल है मार्केट में और मैंने तो अपना घर पे ही बना रखा है। और उसके साथ हम अलसी अगर सुबह शाम को अगर 2 चम्मच लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैं इससे निश्चित तौर पर तो मेरा कहना नहीं कह सकता कि इससे कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया, आपको जैसा बता चुका हूँ, लेकिन इसकी सब्ज़ी पाइल्स में लाभदायक होती है, तो इसलिए आपकी सब्ज़ी यूज करिए। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसको हम कमज़ोर दिल के जो कमज़ोर मरीज़ होते हैं या कमज़ोर शारीरिक कमज़ोरी जिनको होती है, वो व्यक्ति या जिनको कुष्ठ रोग है या जिनको दाद वगैरह है, वो इसकी सब्ज़ी का यूज ना करें, क्योंकि उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर करना है तो सप्ताह में 1-2 दिन कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि दही में सुबह शाम खाना है तो वो लोग ना खाएँ। बाकी जो हष्टपुष्ट शरीर वाले व्यक्ति हैं उन्हें पहले से तो सुबह शाम इसे दही में ले सकते हैं, 10 से 20 ग्राम इसको सुबह इतना पीस करके दही में ले तो पाइल्स में निश्चित रूप से लाभ होगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप इसकी सब्ज़ी आप मार्केट में देखते हैं, आप मार्केट में इस तरह का इसका डिज़ाइन होता है, इसको अभी हम इसकी जड़ें वगैरह तोड़ देंगे तो आप दिखेगा, तो इसके अगर कहीं दिखता है तो आप इसे मार्केट से परचेज करिएगा और इसकी सब्ज़ी बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी होती है और इसमें दवाइयाँ भी बहुत कम पड़ती हैं। अब और हम यहाँ हमारे उत्तराखंड में इधर ही अपना यूपी वगैरह में बोया जाता है, बाकी मुझे और एरियो का पता नहीं है मार्केट में, लेकिन अवेलेबल है, इसे सूरन नाम से मिलता है या ओल कहा जाता है, जिमीकंद ये ले सकते हैं। इसकी पहचान के लिए मैंने आपको जड़ भी दिखा दिया, तना भी दिखा दिया, आपके क्षेत्र में अगर पैदा होता तो आप बो भी सकते हैं, इसे एक बड़े गमले में भी बो सकते हैं जिसमें बड़ा साइज हो, उसमें गोबर खाद डाल दें और ऊपर से इसका तना ही लगता है बोने के लिए। हम इसका बोने का बता दें, फरवरी मार्च में जब हो जाता है तो इतना बड़ा पीस है, इसको बस इसे मिट्टी में दबा देंगे तो ये इतना बड़ा बोते हैं, तो करीब इतना बड़ा हो जाता है 2-3 महीने में, तो ये पत्ती शाखाएँ निकलती रहेंगी, ये गल जाता है यहाँ से फिर दूसरा आ जाता है, तो आप इसे बो भी सकते हैं अपने घर में। तो इतना बड़ा पीस आप बो दीजिए, जैसे आलू काट के बोते हैं इसे भी इसी तरह बो देते हैं और हो जाता है। तो और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि क्या पता कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़े, और इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हमेशा जो अपडेट वीडियो आते रहेंगे और आपको अगर आपसे रिलेटिव कोई है तो आपको फ़ायदा होता रहेगा, और इससे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए और आगे इसे फैलाते रहिए कि किसी को जानकारी अगर किसी को जरूरत है तो उसे जानकारी मिल चुके मिल सके। और यही मेरा इसका अपना माध्यम वीडियो बनाने का कि जो मुझे जानकारी है उसे मैं लोगों तक फैलाऊँ, और मेरा अपना एक बचपन से ही हम था कि अपना हेल्थी फूड और इस पर काम करना, आयुर्वेदिक चीज़ों पर घरों में, तो इस तरीके से घर की बहुत सी चीज़ें हैं और गरीब लोग ऐसे हमारे पे तबका है जो कि इलाज भी नहीं कर सकते। आपको पता है डॉक्टर पास जाते हैं, दवा तो बाद में देते हैं, पहले 200 रुपये की पर्ची कटती है। अब जो व्यक्ति 200 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है पर डे, वो क्या 200 रुपये की पर्ची कटाएगा, उसके बाद क्या दवाई लेगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं, उसके घर में खाने की किल्लत पड़ी रहती है। तो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर आपको इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि वो वीडियो वगैरह नहीं देख सकते, तो उन्हें आप बता सकते हैं कि आप ऐसा यूज करिए तो इससे आपको फ़ायदा होगा इस बीमारी में। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद।